हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्टिंग और बडिंग के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट होते ही हमारा जो प्रोपोगेशन वाला पार्ट है फ्रूट्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। तो आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे, ग्राफ्टिंग और बडिंग डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है ग्राफ्टेज। क्या बोला जाता है, ग्राफ्टेज इसको कहा जाता है। इस बात को याद रखना, ग्राफ्टेज का मतलब क्या होता है, उसी के अंदर ग्राफ्टिंग भी है, उसी के अंदर बडिंग भी है। अभी समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, देखो ग्राफ्टेज का मतलब क्या होता है कि दो मदर प्लांट, ठीक है, एक मदर प्लांट हमने लिया है और एक ये मदर प्लांट लिया है। ठीक है, ये दोनों क्या है, मदर प्लांट है, ये भी एक मदर प्लांट है और ये भी क्या है, एक मदर प्लांट है। अब इन दो मदर प्लांट में यहाँ देखो इसका जो रूट सिस्टम है, इसका जो ये रूट सिस्टम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका रूट सिस्टम काफ़ी वीक है। मतलब क्या हो गया कि दो मदर प्लांट से एक का हम रूट सिस्टम ले लेते हैं और एक का ऊपर वाला भाग, प्रोडक्शन वाला भाग, शूट ले लो या बड ले लो, मतलब ब्रांचेस ले लो या उसकी बड ले लो, उसको आपस में मिला देना, उसको आपस में ज्वाइन कर देना ग्राफ्टेज कहलाता है। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा, देखो क्यों करते हैं, जैसे कि कई चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा कोई ऐसा एक प्लांट होता है जिसके अंदर कई सारी डिजीज लगती है, उस डिजीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका दूसरे मदर प्लांट का रूट सिस्टम ले लेते हैं या उसका रूट स्टॉक ले लेते हैं या फिर दूसरे प्लांट का हम क्या ले लेते हैं, सियोन ले लेते हैं, मतलब कि ऊपर वाली शाखा या बड ले लेते हैं। कई सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि हम सिट्रस के अंदर रंगपुर लाइम रूट स्टॉक का यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि जो सिट्रस के अंदर ट्रिस्टेजा वायरस है उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो ये ग्राफ्टिंग और बडिंग करने के पीछे रीज़न क्या होता है, ये रीज़न होता है कि हमें या तो क्या मिले, एक स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम मिल जाए, ठीक है, या फिर हमें बोना पौधा चाहिए तो बोना पौधे के लिए हम बोना रूट स्टॉक ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हमें इंसेक्ट पेस्ट के प्रति कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए हम इसको ग्राफ्टिंग करते हैं ताकि इंसेक्ट पेस्ट से बचाया जा सके। टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, सोइल की जो कंडीशन है, इन सबको देखते हुए हम बडिंग और ग्राफ्टिंग करते हैं। या फिर हमें क्या चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, है ना, हमें हैवी अच्छा खासा प्रोडक्शन चाहिए, तो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो हम उसका रूट स्टॉक या उसका हम क्या ले सकते हैं, ऊपर वाला प्रोडक्शन वाला भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ये एक मदर प्लांट है, ये एक मदर प्लांट है, तो इस मदर प्लांट से हम क्या लेते हैं, रूट स्टॉक, क्या लेते हैं, रूट स्टॉक। रूट स्टॉक मतलब कि ये रूट वाला पोर्शन, रूट वाला पोर्शन हम यहाँ पर कितना लेंगे, रूट वाला पोर्शन कितना लेंगे, तो लगभग यहाँ से हम इतना कट लगाते, कितना, 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, हाइट पर हम क्या लेते हैं, इसका कट लगाते हैं। तो ये वाला सिस्टम हम लेते हैं रूट स्टॉक, इसको क्या कहा जाता है, रूट स्टॉक कहा जाता है। जो रूट स्टॉक का मतलब कि जो रूट सिस्टम को डेवलप करे या रूट सिस्टम वाला जो पार्ट होता है उसको हम रूट स्टॉक कह देते हैं। ठीक है, इसको ले लेंगे यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको ये वाला पार्ट, इतना कटा हुआ पार्ट जो रूट सिस्टम वाला है इसको हम रूट स्टॉक कह देते हैं। इसको ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से ले लेते हैं, कितना, 22.5 सेंटीमीटर या 20 से 25 सेंटीमीटर का कट लगाकर हम यहाँ से ले लेते हैं इसका रूट स्टॉक। ठीक है, अब ऊपर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर जो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर बड भी होती है, क्या होती है, ठीक है, यहाँ पर आपको बड मिल जाएगी, सबसे ऊपर वाली बड, ये बड हो गई, ठीक है, यहाँ पर भी आपको बड मिलेगी, ठीक है, इसमें बड भी होती है और ये क्या है, ब्रांचेस भी है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो बड भी है और ये क्या है, शूट है, मतलब ब्रांच है। ठीक है, तो शूट और ब्रांच को हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, शूट और ब्रांच को हम यहाँ पे कह देते हैं सियोन। क्या कहा जाता है, सियोन कहा जाता है, मतलब जब इस, या तो हम बड को लेंगे या हम शूट को लेंगे ग्राफ्टिंग के लिए, ठीक है, याद रखना, तब इसको हम क्या कहेंगे, सियोन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या ले लिया, तो यहाँ पर ये वाली हमने ब्रांच ग्राफ्टिंग के लिए ले ली, कौन सी, ये वाली जो ब्रांच आपको दिख रही है, ये वाली ब्रांच हमने यहाँ से कट करके ग्राफ्टिंग पर ले ली। कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे ये भी हमें ध्यान रखना है, इस पर लीव्स हैं, कौन सी ली हमने, शूट को लिया, एज ए सियोन हमने किसको लिया, शूट को। जब हम यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्या, जब हम शूट को लेंगे एज ए सियोन तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग। ठीक है, जब हम शाखा को लेते हैं एज ए सियोन, जब हम शाखा को एज ए सियोन लेते हैं तो उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, जब हम बड को एज ए सियोन लेते हैं तो इसको बडिंग कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, दिख रहा होगा रेड कलर में कि नहीं दिख रहा होता, एक बार चेक कर लिया जाए, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। जब हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं, जब हम शूट को लेंगे तो उसको ग्राफ्टिंग कहेंगे और जब बड को लेंगे तो उसको बडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, इन दोनों को जब ज्वाइन कर देते हैं
ठीक है, यहाँ से ये रूट वाला सिस्टम हम ले लेते हैं और यहाँ से इसको शियान को मिला देते हैं, तो ये जो जॉइंट बनता है इसको हम क्या कह देते हैं, ग्राफ्टिंग। इसको हम क्या कह देते हैं, ग्राफ्टिंग, क्योंकि हमने शूट लिया तो ग्राफ्टिंग बोलेंगे, और बड लिया होता तो हम क्या बोल देते, बडिंग। अब ये जो मिलान है आपको मैं बता देता हूँ, ये जो मिलान है इन दोनों का, ये जो यहाँ पर मिलान है इन दोनों को क्या कर देते हैं, एक तो बेंडिंग टैप से, बेंडिंग टैप से क्या कर देते हैं, इसको ज्वाइंट कर देते हैं, वैक्स लगा देते हैं ताकि मॉइस्चर ना हो। और इन दोनों का मिलान है कब तक हो जाता है, 8 से लेकर 15 दिन में इनका क्या हो जाता है मिलान, या मैं बोल सकता हूँ लगभग 3 सप्ताह के अंदर इनका मिलान हो जाता है। और इनको हम लगभग 45 डेज के बाद ये क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, कम्प्लीटली इसमें फुटान शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो ग्राफ्टेज क्या हो गया, एक हमारा मदर, दो मदर प्लांट लिए हमने, एक मदर प्लांट ए हो गया, एक मदर प्लांट बी हो गया, ठीक है। एक प्लांट का हमने ले लिया रूट सिस्टम, एक प्लांट का ले लिया ऊपर शूट सिस्टम। ऊपर वाला सियोन का मतलब होता है जो प्रोडक्शन वाला भाग होता है, जो एरियल भाग होता है, जो हवा में रहता है, या तो उसका बड लेंगे या शूट लेंगे। शूट लेंगे तो उसको ग्राफ्टिंग बोलेंगे, बड बोलेंगे, बड लेंगे तो उसको बडिंग बोलेंगे। तो वो वाला भाग ले लिया, नीचे से रूट स्टॉक भाग ले लिया, दोनों को मिला दिया, क्या किससे मिला दिया, वहाँ से कट लगाया था, वहाँ से ज्वाइंट किया, टेप से, बेंडिंग टेप से मिला दिया, या फिर वहाँ पे वैक्स भी लगा देते ताकि मॉइस्चर बना रहे। तो ये जॉइंट कब हो जाते हैं, 8 से 15 दिन, लगभग 3 सप्ताह के आसपास, ये 2 से 3 सप्ताह में ये जॉइंट हो जाते हैं, और लगभग 45 दिन, 1.5 महीने के आसपास इनमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, ये पलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इसका सिलेक्शन कैसे करोगे आप, ठीक है। सियोन के सिलेक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है, सियोन के सिलेक्शन की, सियोन के सिलेक्शन की बात करते हैं। तो सियोन कैसी सिलेक्ट करनी चाहिए, नंबर वन, पहले तो लगभग 3 से 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, 3 से 6 मंथ ओल्ड सियोन हमें सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है आपकी क्या, कि 3 से 4 मंथ ओल्ड किसमें लेना है, 3 से 4 मंथ ओल्ड लेना है स्टोन ग्राफ्टिंग में, स्टोन ग्राफ्टिंग में। क्यों ऐसा करते हैं, जब मैं स्टोन ग्राफ्टिंग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि 3 से 4 महीने ओल्ड ही क्यों लेते हैं। तो स्टोन ग्राफ्टिंग में 3 से 4 मंथ ओल्ड लिया जाता है। दूसरी चीज, ठीक है, इसको लगभग 10 डेज बिफोर, इसका सिलेक्ट कैसे कहते हैं, 10 डेज बिफोर ग्राफ्टिंग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 10 डेज बिफोर ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के 10 दिन पहले ही इसको क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहीं पे जैसे पेड़ है, यहीं पे 10 दिन पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया कि ये वाली जो हमारी शाखा है इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग में यूज़ करेंगे। 10 दिन पहले इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम, इसमें लगभग 65% जो लीव्स है, इसकी जो पत्तियाँ हैं उसको हम रिमूव कर देंगे, कितनी, लगभग 2/3 भाग, 65% 66% जो पत्तियां हैं उनको यहां से हटा देंगे। हटाने का पीछे रीज़न क्या होगा, इसके हटाने के पीछे रीज़न ये होता है, मतलब कि ये वाली जो पत्तियां हैं हमारी, ये वाली जो पत्तियां हैं इनको हम हटा देंगे, ठीक है, इनको हम यहां से हटा देते हैं। हटाने के पीछे रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है क्योंकि पौधे से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन के द्वारा वाटर का लॉस होता है। तो यहाँ ये इसको करने के पीछे रीजन क्या होता है, रिड्यूस वाटर लॉस, क्या हो जाएगा, रिड्यूस वाटर लॉस। तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर लॉस रिड्यूस होगा, पानी कम लॉस, पानी की हानि कम होगी। तो 10 दिन पहले ही हम ऐसा काम कर लेंगे, है ना, अलग से सिलेक्ट कर लिया उसको, फिर ऊपर से 65% पत्तियाँ उसकी हटा दी, तो वाटर का लॉस कम हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि नीचे से जो रूट सिस्टम से जो वाटर जा रहा है इस सूट के अंदर अच्छा खासा क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, अच्छा खासा पानी इसके अंदर रहेगा, जो ग्राफ्टिंग के सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी चीज़, इसकी जो टॉप की जो बड होती है, याद रखना, टॉप की जो बड होती है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इसकी जो, ये सूट के अंदर जो टॉप की बड होती है, याद रखना, जो टॉप बड है वो स्वेल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्वेल होनी चाहिए, उसमें स्वेलिंग होनी चाहिए। स्वेलिंग का मतलब ये होता है कि अगर इसके ऊपर की बड अच्छे से, टॉप की स्वेलिंग है, उसमें सूजन है, मतलब ये है कि उसके अंदर अच्छा खासा फूड स्टोर है, और अच्छा खासा फूड स्टोर क्या काम करता है, ये ग्राफ्टिंग को सक्सेस बनाने का काम करेगा, क्योंकि अगर फूड उसके अंदर अच्छा है तो वहाँ से उसकी जो फ्रूटिंग है वो अच्छी खासी होने वाली है, प्लांट जो है डाई नहीं होगा, रूट स्टॉक जो हम ग्राफ्टिंग करेंगे वो सक्सेसफुल रहेगा। तो टॉप बड जो है वो स्वेल होना चाहिए। तो ऐसी हमें क्या करना है, सियोन का सिलेक्शन ऐसा करना है क्या कि 3 से 6 मंथ पुराना होना चाहिए, 10 दिन पहले ही उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें 65% पत्तियों को हटा देते हैं जिससे वाटर का कम लॉस हो, और टॉप की बड जो है वो स्वेल होनी चाहिए, सूजी हुई, या क्या होनी चाहिए, फुली हुई होनी चाहिए, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, फुली होनी चाहिए। तो जब हम शूट लेते हैं उसको क्या बोल देते हैं, ग्राफ्टिंग। सेम चीज़ जब बड ले लेंगे,
अगर जब हम बड लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बडिंग बोल देंगे। ठीक है, बड में क्या रहेगा, बड में यही होनी चाहिए कि वो फुली हुई होनी चाहिए। फुली हुई रहेगी तो क्या होगा, उसमें अच्छा खासा फूड होगा, फूड होने की वजह से क्या होगा, वो इजीली ग्रो करेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई सियोन के सिलेक्शन की। अब रूट स्टॉक के सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि रूट स्टॉक कैसा हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमने सियोन सिलेक्ट किया है, ये सिलोंग की जो विड्थ होनी चाहिए, विड्थ वो सेम एज रूट स्टॉक होनी चाहिए, सेम एज रूट स्टॉक, सेम एज रूट स्टॉक होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ग्राफ्टिंग अच्छे से हो सके। अब यहाँ पर रूट स्टॉक का सिलेक्शन की बात करें तो रूट स्टॉक क्या होना चाहिए, वन ईयर ओल्ड होना चाहिए। वन ईयर ओल्ड रूट स्टॉक हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्टोन ग्राफ्टिंग की बात करें, स्टोन ग्राफ्टिंग की, तो स्टोन ग्राफ्टिंग के अंदर हमें जो रूट स्टॉक होना चाहिए वो वन मंथ ओल्ड होना चाहिए। कौन सा, कितने मंथ, वन मंथ ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, वन मंथ ओल्ड होना चाहिए। क्यों, तो ये स्टोन ग्राफ्टिंग के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, रूट स्टॉक कैसा होना चाहिए, वन ईयर ओल्ड होना चाहिए। दूसरी बात, 22.5 सेंटीमीटर पर उसमें कट लगाना चाहिए, लेंथ पर 22.5 सेंटीमीटर लेंथ पर कट लगाना चाहिए, लंबाई पर, वर्टिकली लेंथ पर कट लगाना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैं बताया 22.5 सेंटीमीटर पर इस पर कट लगा हुआ होना चाहिए। अब इसकी जो विड्थ है, विड्थ जो है वो कैसी होनी चाहिए, सियोन के इक्वल होनी चाहिए, मतलब 0.5 से 1 सेंटीमीटर जनरली इसकी रखी जाती है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही ना, कि हमें रूट स्टॉक क्या होना चाहिए, वन ईयर ओल्ड होना चाहिए, 22.5 सेंटीमीटर से उसको कट लगाना चाहिए, विड्थ उसके लिए 0.5 से 1 सेंटीमीटर जनरली होनी चाहिए। फिर इन दोनों का जो यूनियन है वो कितने दिन में तैयार हो जाता है, बेसिक और बात करें तो लगभग 8 से लेकर 15 दिन में, डेज में ये क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, इनका मिलान हो जाता है, मतलब क्या बन जाता है, यूनियन बन जाता है, यूनियन 8 से 15 दिन में हो जाता है, और लगभग ये 45 डेज में, याद रखना 45 डेज में क्या होगा, इनमें ये फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी, या फिर क्या कह सकते हैं, इसकी ग्रोथ अच्छी खासी शुरू हो जाएगी। ठीक है, 45 डेज में इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देख ली कि ग्राफ्टेज क्या होता है। ग्राफ्टेज का मतलब होता है कि दो मदर प्लांट हम लेते हैं, उसमें से एक का रूट सिस्टम ले लेते हैं, एक का शूट सिस्टम ले लेते हैं, मतलब एक का प्रोडक्शन वाला भाग ले लेते हैं और एक का जड़ वाला भाग ले लेते हैं, उनका आपस में यूनियन करवा देते हैं, यूनियन मतलब उनको जोड़ देते हैं बेंडिंग टेप से या वैक्स वैक्स लगा के, ताकि रोज ना हो, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं 8 से 15 दिन के अंदर, और 45 दिन के आसपास इनमें अच्छी खासी जो है ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो इस भाग को हम ग्राफ्टेज बोलते हैं। और अगर इसमें हम शूट लेते हैं तो उसको ग्राफ्टिंग बोल देंगे, बड लेते हैं तो उसको हम बडिंग बोल देते हैं। जो सियोन है मतलब जो शूट और बड वाला भाग है, उसको कैसे सिलेक्ट करना है, 3 से 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, 10 दिन पहले उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 65% पत्तियां हटा देते हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो, और ऊपर वाली बड जो है वो स्वेल होनी चाहिए। ठीक है, वाटर का लॉस नहीं होगा तो उसके अंदर अच्छा खासा पानी भरा हो रहेगा, जब पानी अच्छा खासा भरा रहेगा तो उसकी बडिंग ग्राफ्टिंग या उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। रूट स्टॉक कैसा होना चाहिए, तो 1 साल पुराना होना चाहिए, स्टोन ग्राफ्टिंग में 1 मंथ पुराना होना चाहिए, 22.5 सेंटीमीटर लेंथ पर हाइट पर उसको कट लगाते हैं, उसमें विड्थ जो है लगभग 0.5 से 1 सेंटीमीटर रखी जाती है, 8 से 15 दिन में ये यूनियन हो जाता है और 45 दिन के अंदर इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इतना आपको समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, इतना आपको समझ में आया तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम से समझ लीजिए, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कम्प्लीटली कि क्या होता है इसके अंदर। ये ग्राफ्टेज है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ्टेज है, और नेक्स्ट वाला डायग्राम में और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ, देखो ये वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक मदर प्लांट लिया ए वाला, ये एक मदर प्लांट लिया बी वाला, इसमें देखो यहाँ पे ये 22.5 सेंटीमीटर पे हम क्या लगा देते हैं, कट, तो ये हो जाता है हमारा नीचे वाला हिस्सा रूट स्टॉक। यहाँ पर ऊपर हम लगभग, अगर आप सियोन लोगे, सियोन मतलब यहाँ पे या तो हम शूट लेंगे या तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, बड लेंगे। जब शूट लेंगे तो वो हो जाएगा ग्राफ्टिंग, जब बड लेंगे तो वो हो जाएगा बडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे शूट जब लेते हैं तो शूट की हाइट भी बता दूँ, 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है। शूट की जो शाखा हम लेते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। जो हम शूट यहाँ पर लेते हैं, जो हम शाखा लेते हैं वो कितनी, 10 से 15 सेंटीमीटर की लेंथ वाली लेते हैं। ठीक है, यहाँ से रूट स्टॉक ले लिया, ये रूट स्टॉक इस तरीके से कट लगा है, ये ऊपर सियोन में इस तरीके से कट लगा है, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, बेंडिंग टेप से या वैक्स से आपस में जोड़ देंगे, जोड़ने पर एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। समझ में आ गया, शूट ली है तो ग्राफ्टिंग और बड लेते हैं तो बडिंग। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, ये भी वही है। चलो यहां पे आते हैं, सबसे पहले ग्राफ्टिंग में हम बात करेंगे सिंपल ग्राफ्टिंग की।
ठीक है। सबसे पहले हम ग्राफ्टिंग में बात करते हैं सिंपल ग्राफ्टिंग, इसकी बात करेंगे सिंपल ग्राफ्टिंग की। सिंपल ग्राफ्टिंग को स्प्लाइस ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, याद रखना, स्लाइस या स्प्लाइस ग्राफ्टिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, इस तरीके से कट लगाते हैं। देखो इसमें एक प्लांट होता है मदर प्लांट, वही हमने बोला दो प्लांट लेंगे, एक तो होगा मदर प्लांट, ठीक है, सियोन लेंगे, और एक प्लांट का हम क्या लेते हैं यहाँ पे, रूट स्टॉक लेते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं, जो रूट स्टॉक होता है उसमें भी इस तरीके से तिरछा कट लगाते हैं, और जो सियोन होता है उसमें भी इस तरीके से तिरछा कट लगाते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, किससे, बेंडिंग टेप से। किससे जोड़ेंगे, बेंडिंग टेप से जोड़ दिया जाता है। कितने, 8 से 15 दिन में इनका यूनियन हो जाता है, आपस में ये जुड़ जाते हैं 8 से 15 दिन में। लगभग 45 डेज के अंदर क्या हो जाता है, इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये सिंपल ग्राफ्टिंग या स्लाइस, स्लाइस ग्राफ्टिंग इसलिए बोला, देखो इसमें एकदम स्लाइस इस तरीके से कट लगा जाता है, इसलिए इसको स्लाइस ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। सिंपल ग्राफ्टिंग है, मतलब समझ में आ गया, सिंपल ग्राफ्टिंग में क्या क्या जाता है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में आपको मेंशन है सारी चीज़, है ना, कि यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो मदर प्लांट होता है हमारा, मदर प्लांट होता है उसमें इस तरीके का कट लगाते हैं, और जो हमारा सेकेंड मदर प्लांट है उसमें भी इस तरीके से कट लगाते हैं। तो जो इस तरीके से कट लगा हुआ है, ये दोनों का, इन दोनों का आपस में यूनियन कर देते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, जो यहाँ पे जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। बेंडिंग टेप से या किसी भी टेप के थ्रू इसको लपेट कर, पॉलीथीन से लपेट कर बांध दिया जाता है, 8 से 15 दिन के अंदर ये इनका यूनियन हो जाता है, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं, 45 डेज के अंदर इनमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो ये सिंपल ग्राफ्टिंग कहलाते हैं। सिंपल ग्राफ्टिंग जो है इसका जो कोई विशेष उपयोग नहीं है, इनका कोई कॉमर्शियल प्रोपोगेशन नहीं होता, याद रखना, क्या नहीं होता है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन नहीं किया जाता इस मेथड से, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन नहीं होता है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन नहीं किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस विधि से कोई कॉमर्शियल प्रोपोगेशन नहीं किया जाता है, सिंपल है। कैसे किया जाता है, जनरली हमने देख लिया, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही एग्जाम में इसका पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉमर्शियल प्रोपोगेशन होता ही नहीं है इस मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पर होता है, नेक्स्ट आप देखोगे सेकेंड ग्राफ्टिंग जो होती है वो टंग, टंग ग्राफ्टिंग, या इसी को वीफ ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, वीफ ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग या वीफ ग्राफ्टिंग। टंग मतलब हमारी जीवान की तरह होती है ना, जीफ जो कतर कतर चलती रहती है, इसको जीफ ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। या मैं सिंपल सा आपको बता दूं ना, इसका शेप जो होता है बिल्कुल एन की तरह होता है, ठीक है। इसमें जो हमारा ये वाला जो रूट स्टॉक होता है, जिसका हमें रूट स्टॉक, मतलब जो रूट स्टॉक लेना है, जो एक रूट स्टॉक लेना है, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा रूट स्टॉक होता है, और जो सियोन होता है वो कैसा होगा, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या होगा, सियोन होगा, ठीक है, ये होता है सियोन। तो यहाँ देखो एन शेप बन रहा है, एक दूसरे के अंदर ये फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये शेप कुछ इस तरीके से है, किसका, रूट स्टॉक का, और इसी के अंदर ये सियोन जो है इस तरीके से फंसा हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम टंग ग्राफ्टिंग या वीव ग्राफ्टिंग, जीबान की तरह है। देखो जीप जो है अंदर निकली हुई है, ठीक है, जीप जो है अंदर की तरफ निकली हुई आपको दिखाई दे रही होगी, ये जीप निकली हुई है। तो इसको हम बोल देते हैं टंग या वीव ग्राफ्टिंग, समझ में आ रहा है, टंग या वीव ग्राफ्टिंग किसको कहते हैं। तो इससे जो प्रोपोगेशन किया जाता है जनरली किसका किया जाता है, तो आप देखोगे इसमें एप्पल में किया जाता है, ठीक है, पीआर के अंदर किया जाता है, और एप्रिकॉट जो है उसके अंदर, इसके अंदर क्या किया जाता है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है, ठीक है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है किसके अंदर, तो एप्पल पियर, एप्पल मतलब सेब, पियर मतलब हमारा नाशपाती हो गया, एप्रिकॉट मतलब खुमानी हो गया, इनके अंदर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन टंग और वीप ग्राफ्टिंग से करते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे दिया है, इन दोनों को आपस में यहाँ पे जोड़ देते हैं, बेंडिंग टेप लगा देते हैं, और वही 8 से 15 दिन में इनका यूनियन हो जाता है, और 45 डेज के अंदर इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ये तो कॉमन है, सब अलग अलग से बताने की जरूरत नहीं है, पर इस तरीके से होता है जीव आकार में, किस तरीके से एक दूसरे के अंदर ये फंस जाते हैं, ठीक है। ये अच्छी मेथड है, क्योंकि इसके पहले वाली सिंपल जो पड़ी ना, उसमें जो हमारी ग्राफ्टिंग होती है ना, ऐसा हम कट लगाते हैं जिसके अंदर, उसमें क्या होता है कि ये स्लाइस रहता है ना, इसमें खसकने का डर भी रहता है, तो वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर फंसे रहते हैं जीप की तरह, तो ये जो है सक्सेसफुल है। एप्पल पियर और एप्रिकॉट के अंदर टंग और वीप ग्राफ्टिंग की जाती है, ठीक है। बाकी बेसिक जानकारी सारी वही रहेगी, 45 सेंटीमीटर हाइट पर हम कट लगाते हैं रूट स्टॉक में, ठीक है। ये 10 से 15 सेंटीमीटर शूट ले लेते हैं, इन दोनों का आपस में यूनियन करवाएंगे, कट कैसा लगाएंगे, तो वीप की तरह है ना, ये टंग की तरह, जीप की तरह कट लगाते हैं, इसके अंदर 8 से 15 दिन तैयार हो जाता है, 45 दिन में ग्रोथ हो जाती है। तो बेसिक जानकारी जो हमने शुरू में पढ़ ली वही रहेगी, बस आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ कि होता क्या है ये,
है ना, होता क्या है, कितने सेंटीमीटर पे हमें कट लगाना है, क्या है, सारी जानकारी हमने देख ली। इसके बाद जो आप देखोगे वो होता है स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, आप बोल सकते हो। थर्ड नंबर पे बात करें तो स्टोन ग्राफ्टिंग, ठीक है, इसमें कुछ अलग से चीज़ें आपको याद रखनी, इसको एपिकोटाइल भी बोलते हैं, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। देखो स्टोन ग्राफ्टिंग का मतलब है मैंगो के अंदर हम पढ़ते हैं, है ना, मैंगो के अंदर जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है, मैंगो का जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है, वो होता है स्टोन या ड्रूफ। हम उसको क्या बोलते हैं, या तो स्टोन बोलते हैं या ड्रूफ बोलते हैं, है ना। स्टोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस क्या होती है, उसमें गुठली होती है, ठीक है, इस तरीके की उसके अंदर गुठली होगी और यहाँ से उसका क्या होता है, ये निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये होता है स्टोन मैंगो के अंदर मतलब गुठली, और यहाँ से इसकी क्या होती है, ये शूट निकलनी शुरू होती है, क्या निकलनी शुरू होती है, ये शूट, ठीक है, ये शूट निकलनी शुरू होती है, यहाँ ये नीचे इसकी रूट आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जब स्टोन से निकलते ही, मतलब कितने मंथ का, ये वन मंथ का होगा इसकी शूट, ये वन मंथ का, तो ये शूट है, मतलब इसको हम क्या ले लेंगे, रूट स्टॉक, इसको हम क्या लेंगे, एज ए रूट स्टॉक, ये शूट है पर ये हमारे एज ए रूट स्टॉक काम करेगा। तो जैसे स्टोन से यहाँ पे ये निकलना शुरू होता है और एक मंथ का होता है, तो इसको हम एज ए रूट स्टॉक ले लेते हैं और क्या करते हैं, इस पर यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा रूट स्टॉक है, ठीक, इसमें यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सियोन लाकर, सियोन लाकर ग्राफ्टिंग कर देते हैं। और सियोन हम कैसे लेते हैं, 3 से 4 मंथ ओल्ड सियोन यहाँ पर लेते हैं। तो इस विधि में सबसे जल्दी प्लांट तैयार होते हैं। ये देखो, ये आपको दिख रही है गुटली, यहाँ रूट निकल गई, ये इसकी शूट आ गई, और यहाँ हम सियोन ले लेंगे, इस सियोन को इसके अंदर ग्राफ्ट कर देंगे, एपिकोटाइल पोर्शन को, एपिकोटाइल मतलब जस्ट निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, एपिकोटाइल पोर्शन मतलब कि जस्ट गुटली से निकलता ही है, ठीक। तो इन दोनों को आपस में ग्राफ्ट कर देते हैं, तो इसको एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, और स्टोन से जस्ट मतलब गुटली से जस्ट निकलने के बाद एक महीने के अंदर ही ग्राफ्टिंग कर देते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं, और सबसे फास्ट जो है प्लांट प्रिपेयर होते हैं। और ये जो स्टोन ग्राफ्टिंग में जो है प्लांट जो है 1 ईयर में रेडी हो जाता है नर्सरी में, 1 ईयर में रेडी हो जाता है, कहाँ पर, नर्सरी के अंदर, ये नर्सरी के अंदर 1 साल के अंदर ही तैयार हो जाता है। और सबसे फास्ट, सबसे जल्दी अगर पौधे तैयार करना है आपको, तो स्टोन ग्राफ्टिंग से या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग से आप कर सकते हो, क्योंकि एक महीने का ही हम क्या लेते हैं, रूट स्टॉक, जनरली 1 साल का रूट स्टॉक लेते हैं, लेकिन स्टोन ग्राफ्टिंग में तो 1 साल के अंदर नर्सरी के अंदर प्लांट तैयार हो जाता है, क्योंकि एक महीने का ही हम रूट स्टॉक लेते हैं, और सियोन जो लेते हैं 3 से 4 महीने का लेते हैं। इन दोनों का हम क्या करा देते हैं, यूनियन करवा देते हैं, और वही यूनियन 8 से 15 दिन में हो जाएगा, और 45 दिन में ये प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो सबसे अधिक प्लांट अगर तैयार करना है, जल्दी प्लांट तैयार करना है, तो स्टोन ग्राफ्टिंग से आप सबसे फास्ट प्लांट तैयार कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया कि एपिकोटाइल के अंदर हम 1 मंथ का क्यों ले रहे थे रूट स्टॉक, और 3 से 4 महीने का क्यों ले रहे थे, क्योंकि नाम ही क्या स्टोन ग्राफ्टिंग, मतलब जैसे स्टोन से रूट और शूट निकलना शुरू होती है, तो उसको एज ए रूट स्टॉक ले लेते हैं 1 मंथ पुराना, और सियोन ला के 3 से 4 महीने पुरानी यहाँ पर यूनियन करवा देते हैं। तो इसी को मतलब एपिकोटाइल भी क्यों बोला है, कि यहाँ से जो एपिकोटाइल बाहर आता है, इसको क्या कर दिया हमने, ग्राफ्टिंग या एज ए रूट स्टॉक इसको यूज कर लिया, ठीक है। तो ये स्टोन ग्राफ्टिंग हमारा हो गया। स्टोन ग्राफ्टिंग के बाद आइए, स्टोन ग्राफ्टिंग के बाद होता है ये, इसको बोलते हैं वीप ग्राफ्टिंग, जो भी है 4th-5th नंबर, इसको क्या बोला जाता है, वेज ग्राफ्टिंग, वीप नहीं, वेज ग्राफ्टिंग इसको कहते हैं। वेज ग्राफ्टिंग में होता क्या है, इसके अंदर वी शेप का रूट स्टॉक जो होता है, रूट स्टॉक में वी शेप का जो है कट लगाया जाता है। कौन सा, वी शेप का कट लगाते हैं, याद रखना, कौन से शेप का, वी शेप का कट लगाते हैं, वी शेप का कट लगाया जाता है किसके अंदर, ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये वी शेप का कट लगाते हैं स्टॉक के अंदर। क्लियर है, ये हमारा रूट स्टॉक है, ईट रूट स्टॉक में ये वी शेप का यहाँ पर कट लगाते हैं, किसमें, रूट स्टॉक के अंदर, ठीक है। और जो शूट होती है, जो हमारा सियोन होता है, जो सियोन होता है, उस सियोन के अंदर जो है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वी शेप का हो गया उल्टा वी, वहाँ पर क्या लगाते हैं, खुटीनुमा, मतलब खूटे के आकार का क्या लगाते हैं, खुटीनुमा सियोन लगा देते हैं। खुटीनुमा सियोन मतलब ये आप देख रहे हो इस तरीके का, इसमें भी वी टाइप है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी खुटीनुमा या बोल सकते हो ये भी वी शेप का ही होता है। तो यहाँ पर लाकर क्या किया जाता है, इसका सियोन लाकर इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया जाता है, ये सियोन लगा दिया जाता है, आपस में इसको बांध देते हैं 8 से 15 दिन में, ये भी क्या हो जाता है, इनका यूनियन हो जाता है,
और 45 डेज के अंदर ये क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, मतलब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये तो कॉमन पॉइंट है। तो वेज ग्राफ्टिंग में वी शेप का कट लगाते हैं, वी शेप का कट लगाते हैं, इसके अपोजिट में ये खुटीनुमा कट होता है ना, खुटीनुमा कट होता है। इन दोनों को आपस में इस तरीके से यूनियन करवा देते हैं, वही टेप से बांध देते हैं, बेंडिंग टेप से, और 45 दिन में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इसको वेज ग्राफ्टिंग कहा जाता है। क्लियर है, वेज ग्राफ्टिंग, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, हाँ, अब इस टाइप की जो ग्राफ्टिंग आपने देखी होगी, वेज ग्राफ्टिंग, वी टाइप की जो ग्राफ्टिंग हमारे अंदर की थी, इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी, टंक ग्राफ्टिंग पढ़ी थी, स्टोन ग्राफ्टिंग पढ़ी थी। तो जो वेज ग्राफ्टिंग है आपकी, वेज ग्राफ्टिंग आपने देखो, इन सब की जितनी भी जो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन है, इसको मैं अभी लास्ट में बताने वाला हूँ, किसके अंदर कौन सी कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है, ठीक है, वो हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वेज ग्राफ्टिंग हमारा कंप्लीट होता है, उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर होता है साइड ग्राफ्टिंग या वीनियर ग्राफ्टिंग, जो मैंगो के अंदर फेमस है। इसको क्या बोला जाता है, वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, या इसी को साइड ग्राफ्टिंग भी बोल देते हैं। साइड क्यों बोल देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बिल्कुल साइड में वी शेप का ये बनाया, और साइड में बिल्कुल साइड में एक सीओन लाकर यहाँ पे लगा दी, साइड में, ऊपर नहीं लगाया, बिल्कुल रो स्टॉक के साइड में लगाया, इसलिए साइड ग्राफ्टिंग करते हैं। और ये जो है मैंगो की कॉमर्शियल प्रोपोगेशन की मेथड है, मैंगो में कॉमर्शियल प्रोपोगेशन की मेथड है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन जो किया जाता है मैंगो में, विनियर ग्राफ्टिंग से किया जाता है। और विनियर ग्राफ्टिंग करने का जो टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है, वो अगस्त माना जाता है, ठीक है, अगस्त जो है बेस्ट टाइम माना जाता है विनियर ग्राफ्टिंग से मैंगो को प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है। मैंगो के अंदर मोस्टली विनियर ग्राफ्टिंग ही यूज की जाती है कॉमर्शियल लेवल पर, ठीक है। तो विनियर ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, आपने देख लिया यहाँ पर, ये जो रूट स्टॉक है हमारा, ये रूट स्टॉक है, ये सियोन है, साइड में लगा के इसको क्या कर देते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं। और ये मैंगो की कॉमर्शियल प्रोपोगेशन की मेथड है। टाइम अगस्त इसका बेस्ट टाइम होता है, मार्च अगस्त होता है वैसे तो, पर अगस्त बेस्ट होता है इसको प्रोपोगेट करने के लिए। क्लियर है, तो ये हमारी विनियर ग्राफ्टिंग हो गई। ज़्यादा कुछ है नहीं है, क्योंकि हम इसमें कॉमर्शियल प्रोपोगेशन की जो मेथड है एक साथ नीचे अभी पढ़ने वाले हैं साथ में, ठीक है। इसके बाद जो होता है ये है हमारा इनार्चिंग, ठीक है, इनार्चिंग। ये भी क्या होता है, मैंगो के अंदर फेमस है ना, मैंगो के अंदर फेमस है इनार्चिंग भी। इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे हमारा क्या होता है, ये कि मदर प्लांट है, ठीक है, इसमें ये शूट निकली हुई है लीव्स वाली, ठीक। और एक प्लांट हम क्या करते हैं, यहाँ गमले के अंदर, ठीक है, पॉट के अंदर एक प्लांट हम तैयार करते हैं, ये रूट स्टॉक वाला पॉट के अंदर हमने ये रूट स्टॉक वाला प्लांट तैयार किया, इसकी भी ब्रांचेस होगी यहाँ पे। अब इस प्लांट को हम कहाँ लाते हैं, इस मदर प्लांट के नीचे ले आते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से शूट है, इसको हमने यहाँ पर ले आया, ये शूट निकली हुई है और इसकी भी शूट निकली हुई है। अब इसमें करते क्या हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर यहाँ पर कट लगाते हैं इसका, और यहाँ से भी कट लगाते हैं, इन दोनों को आपस में मिलाकर बांध देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक मदर प्लांट है और ये एक मदर प्लांट है, इसको इसके नीचे लगाकर ये इसकी शूट को यहाँ पर और इसकी शूट को यहाँ पर दोनों को आपस में काट कर यहाँ पर बांध दिया। तो वही 8 से 15 दिन में क्या होगा, यहाँ पर इसकी यूनियन हो जाएगा, 8 से 15 दिन में यूनियन हो जाएगा, और 45 डेज में क्या हो जाएगी, इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से इसको कट कर देंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा, या फिर यहाँ से इसको बी वाले प्लांट को कट कर देंगे तो ये हमें अगला जो प्लांट मिल जाएगा। तो इनार्चिंग हम जनरली मैंगो के अंदर करते हैं, इनार्चिंग से प्रोपोगेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर, याद रखना, 3 से 4 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं, जो यहाँ पर है ना, 3 से 4 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं दोनों में, सियोन में भी, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, यहाँ पर 3 से 4 सेंटीमीटर इसमें भी कट लगाते, ये दिख रहा कट आपको, इसमें भी कट लगाते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर, इसमें भी कट लगाते हैं, इन दोनों को आपस में बांध देते हैं। तो क्या होता है, एक नया प्लांट तैयार हो जाता है, इसको यहाँ से कट कर देंगे तो ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो इसको इनार्चिंग, या इनार्चिंग के अंदर ऐसी चीज़ें की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ, ये होता है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट जो भी है ये क्या है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग जनरली टॉप वर्किंग के लिए किया जाता है। जैसे क्रॉप वर्किंग मतलब जो पुराने प्लांट होते हैं हमारे, वो ख़राब हो जाते हैं, अच्छा प्रोडक्शन नहीं देते हैं, तो या तो हमें नया बगीचा लगाना पड़ेगा, या नया बगीचा नहीं लगाए तो उसी को हम क्या करेंगे, फिर से उसके अंदर या ग्राफ्टिंग कर देंगे, तो हमारे जो है हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा और हमारा नया बाग तैयार हो जाएगा, हमें अलग से फिर से बाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी भाई क्या करते हैं,
ये वी शेप का आपने कट बनाया, और यहाँ पे जो सियोन होता है, उस सियोन को हम क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब इसमें 5 से 7 सेंटीमीटर का हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं। कहाँ पर? रूट स्टॉक के अंदर साइड से वर्टिकली, याद रखना, वर्टिकली जो है 5 से 7 सेंटीमीटर कट लगा देते हैं। ये 5 से 7 सेंटीमीटर हम यहाँ पे वर्टिकली कट लगाते हैं और इसके अंदर सियोन को फिट कर देते हैं, क्लाफ्ट कर देते हैं इस तरीके से, और आपस में बेंड कर देते हैं इसको। तो ये जनरली किस में किया जाता है? टॉप वर्किंग में, टॉप वर्किंग के अंदर किया जाता है। टॉप वर्किंग मतलब जो हमारा प्लांट जो है वो अगर ख़राब हो गया है तो इसको पूरी तरीके से काट दिया हमने और अलग से सियोन ला के जो प्लांट हमें तैयार करना है उसमें यहाँ पर इसको क्लाफ्ट कर दिया और दोनों को ज्वाइन कर दिया बेंडिंग टेप से, तो हमें पूरा बगीचा नया नहीं लगाना पड़ेगा और हमारा जल्दी वापस से एक नया प्लांट या नया बगीचा तैयार हो जाएगा। इसको हम क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल सारे एक साथ मैं अभी नीचे पढ़ाने वाला हूँ आपको किसके अंदर क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग की जाती है, पहले समझ लो। अब बात आ गई बडिंग की। देखो ये जितनी भी ग्राफ्टिंग थी हमने देख ली। अब बडिंग में होता क्या है, मैंने पहले ही बता दिया बडिंग के अंदर क्या होता है। जब हम बड को लेते हैं सियोन के रूप में तो उसको हम बडिंग कह देते हैं। ठीक है, सियोन के रूप में जब हम क्या ले लेते हैं, बड को ले लेते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, बडिंग कह देते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा हो ना, ये एग्जांपल है किसका, पेज बडिंग का, कि यहाँ से हमने पूरा ये पूरी एक क्या निकाली, बड निकाल के लिया पेज शेप में और यहाँ पर इसको यूनियन करवा दिया, तो इसको ये क्या कह देते हैं, बडिंग कह देते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों, सीधे आपको एग्जाम्पल याद रखना है, इसलिए मैं डायग्राम से आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब पहली बात करें हम टी बडिंग की, टी बडिंग की बात करें, पहली टी कली कायन की बात करें। ठीक है, टी बडिंग, और इसको सील्ड बडिंग भी बोल देते हैं, डी बडिंग को सील्ड बडिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारा मेन प्लांट होता है ना, ये जो मेन प्लांट होता है जिसका हम रूट स्टॉक लेते हैं, उसमें टी शेप का इतना लेंथ, ये इस तरीके से लेंथ वाइज और ये आड़ा, तो ये जो लंबाई में कट लगाते हैं ये लगभग 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर का कट हम लगा देते हैं, और जो आड़ा कट लगाया हुआ है ये आड़ा कट लगता है लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर, तो ये टी शेप का कट लगा देते हैं। और सेम उसी आकार की हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर सियोन ले लेते हैं, सियोन मतलब बड ले लेते हैं, उसी आकार की बड, बड को लेके क्या करते हैं, इसके अंदर फिट कर देते हैं। जब इसके अंदर फिट करोगे यहाँ पे, और वही 8 से 15 दिन के अंदर इनका यूनियन हो जाएगा, ये तो फिक्स है, और 45 डेज के अंदर इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम टी बडिंग कहते हैं। टी बडिंग किसके अंदर करते हैं, तो आप बोल सकते हो टी बडिंग किसके अंदर करते हैं, हम रोज के अंदर करते हैं, ऑरेंज के अंदर आप करोगे इसको, बेर के अंदर भी करते हैं, और कस्टर्ड एप्पल के अंदर भी करते हैं, कस्टर्ड एप्पल के अंदर भी करते हैं, प्लूम के अंदर करते हैं, पीच के अंदर करते हैं, सबके क्रोमोशन मेथड भी देखेंगे, इनके अंदर टी बडिंग की जाती है। क्लियर है, ये हमारा टी बडिंग वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सबके कॉमर्शियल मेथड भी बताऊंगा कि इसमें कौन सी होती है। फिर आता है ये चीफ बडिंग, सेकेंड जो है वो क्या है, चीप बडिंग। चीप बडिंग किसके अंदर करते हैं बटो, ऐसे प्लांट के अंदर करते हैं जिनकी छाल निकालना आसान नहीं होती है, ऐसे प्लांट जिनकी छाल हम आसानी से नहीं निकाल पाते, जिनकी छाल आसानी से नहीं निकाल पाते उसमें चीप बडिंग करते हैं। क्या करते हैं, चाकू से इस तरीके की छाल निकाल देते हैं। ठीक है, ऊपर से जहाँ बड होती है ये इस तरीके से निकाल देते हैं, और जिस पर साइड व्यू इस तरीके से दिखेगा उसको, और जिस रूट स्टॉक पर लगाना होता है उस रूट स्टॉक पर इस तरीके से हम लगा देते हैं, उसको वही बांध देते हैं, 8 से 15 दिन में तैयार हो जाता है, 45 दिन में ग्रोथ हो जाती है, सिंपल सी चीप है, तो इसको चीप बडिंग कहते हैं। ठीक है, किसके अंदर करते हैं सारा हम नीचे अभी देखने वाले हैं। उसके बाद होती है हमारा ये रिंग बडिंग, रिंग बडिंग जो है उसके बाद जो है तीसरा ये हमारा क्या है, रिंग बडिंग, रिंग बडिंग। अब जो ये रिंग बडिंग है, रिंग बडिंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि रिंग बडिंग जो है कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है, रिंग बडिंग से कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है, किसके अंदर, बेर के अंदर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है, किसके अंदर किया जाता है, तो बेर के अंदर रिंग बडिंग से ही कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है। तो देखो आप इस तरीके से पूरा ये एक रिंग, रिंग बड को पूरा रिंग के फॉर्म में, मतलब इसको हम सियोन बोल देते हैं, पूरा पूरा रिंग के फॉर्म में निकाल के का रूट स्टॉक पर लगा दिया जाता है, तो ये कॉमर्शियल प्रोपोगेशन की मेथड है, किसके अंदर, बेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेज, पेज स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, पेज बडिंग आंवला में करते हैं जनरली। ठीक है, पेज बडिंग क्या होता है, पेज बडिंग तो पूरा का पूरा पेज यहाँ से निकाल लिया जाता है, देखो ये पूरा का पूरा पेज इस तरीके से निकाल लेते हैं, ये बड का,
और सेम जो है रूट स्टॉक में इस तरीके का खांचा बना के यहाँ पर इसको बांध दिया जाता है, बेंड कर दिया जाता है, बेंडिंग कर दी जाती है, वैक्स लगा दिया जाता है ताकि वाटर का लॉस ना हो। जनरली किसके अंदर किया जाता है तो एनोला के अंदर ये किया जाता है, आंवला के अंदर, बेल के अंदर भी किया जाता है, बेल पत्र के अंदर भी किया जाता है, जामुन के अंदर भी किया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल है और अभी पूरे एग्जाम्पल हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम पेज बटिंग कहते हैं। चलो तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड। मतलब अभी यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही टॉपिक है हमारा, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक है कि कॉमर्शियल प्रोपोगेशन जो है किसके अंदर किया जाता है, ठीक है। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन जो है किसके अंदर किया जाता है, यही हमारा मेन टॉपिक है। क्वेश्चन जो आने वो यहीं से आने हैं, जो हमने पढ़ा अभी उससे क्वेश्चन नहीं आने हैं कि कौन सी मेथड कैसा, कौन से में वी आकार का शेप होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं पूछा जाता। जस्ट समझाने के लिए कि भाई रिंग बडिंग कैसा होता है, पेज कैसे होता है, टी में कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ये कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड। तो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड के बारे में अभी हम यहाँ पर देखते हैं पूरी कहानी उसकी, कि इसकी कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड की पूरी कहानी क्या है। ठीक है, तो ये आपको पूरा कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड यहाँ पे अभी हम इसको करने वाले हैं। चलो ठीक है, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से कि कौन कौन से फ्रूट है और किसके अंदर कौन सी कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड जो है अपनाई जाती है, ये हम अभी देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो सारी प्रोपोगेशन मेथड, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से आने हैं। देखो पपाया हो गया, आपका फालसा हो गया, एसिड लाइम हो गया, कोकोनट हो गया, एरेकानट हो गया, पैशन फ्रूट हो गया, कैप गूसबेरी हो गया, ऑयल पाम हो गया, कोकाओ हो गया, कॉफी हो गया। इसमें जो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है वो क्या है, सीड। जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ना ये सब क्या है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है, ठीक है। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है, याद रखना ये सब क्या है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है, यही आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा। करौंदा और जेट्रोफा के अंदर जो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन है वो सीड के द्वारा भी करते हैं और जनरली आपसे पूछा जाता है हार्डवुड कटिंग से, ठीक है। करौंदा के अंदर किससे करते हैं, करौंदा के अंदर हार्डवुड कटिंग से करते हैं और सीड से भी कर सकते हैं। तो हार्डवुड कटिंग से किसमें करते हैं, करौंदा और जेट्रोफा दोनों में। फिर जेरेनियम हो गया, बोगनवेलिया हो गया और अदर एनुअल ऑर्नामेंटल प्लांट्स है उसमें सॉफ्टवुड कटिंग से करते हैं और सॉफ्टवुड कटिंग से टी के अंदर भी किया जाता है, ठीक है। फिर मैंगोस्टीन, मैंगो की रानी मतलब जो फलों की रानी मैंगोस्टीन है उसमें सीड और इनार्चिंग दोनों से करते हैं, जो फलों की रानी है इनार्चिंग मैंगोस्टीन उसमें सीड और इनार्चिंग दोनों से करते हैं। प्लूमोलोंग के अंदर सीड और टी बडिंग दोनों से करते हैं, सीड से भी करते हैं और टी बडिंग से भी की जाती है। फिर वुड एप्पल है, वुड एप्पल में सीड और इन सीटू बडिंग से भी किया जाता है। फिर टी के अंदर आप देखो सॉफ्ट रूट कटिंग से भी करते हैं और लीफ नोड कटिंग से भी किया जाता है। तो ये सारी प्रोपोगेशन की मेथड है बच्चों, है ना, इनको ही आपको याद रखना है, यही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो फीक हो गया, प्रोमगेनेट हो गया, ग्रेप्स हो गया, देसी गुलाब हो गया, बोगनविलिया हो गया, डोरंटो हो गया, इसमें भी हार्डवुड कटिंग से की जाती है, क्लियर है। फिर जैस्मिन, जैस्मिन के अंदर सिंपल लेयरिंग और कंपाउंड लेयरिंग से किया जाता है कॉमर्शियल प्रोपोगेशन। लेमन हो गया, चेरी हो गया, एवोकाडो हो गया, उसमें एयर लेयरिंग से किया जाता है। गुआवा के अंदर स्टूलिंग से किया जाता है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्मल की नहीं, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन। बनाना, बम्बू और टिक के अंदर शक्कर से करते हैं। डेड पाम के अंदर ऑफशूट से करते हैं और शक्कर से भी करते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको ऑफशूट लगाना है, बता चुका हूँ पढ़ाते समय। पाइनएप्पल के अंदर आप शक्कर से करते हो, शक्कर और स्लीप से, पाइनएप्पल के अंदर शक्कर और स्लीप से करते हो। जनरली स्लीप और क्राउन आपको मिलेगा ऑप्शन में, ये कॉमर्शियल प्रोपोगेशन की मेथड है, क्राउन एंड स्लीप। क्राइसेंथेमम के अंदर आप रनर से करते हो। एनोला जामुन हो गया, पीनट बेल हो गया, उसमें पेज बटिंग। बेर के अंदर रिंग बटिंग, ठीक है। अपना मैंडरिन हो गया, स्वीट ऑरेंज, पीच, प्लूम, आलमंड, ग्रेप फ्रूट, ओलाइव के अंदर टी बडिंग या सील बडिंग से करते हैं। एप्पल, पियर, एप्रिकॉट में टंग बडिंग से करते हैं। सपोटा, जैकफ्रूट फ्रूट, एवोकाडो के अंदर इनार्चिंग से करते हैं। मैंगो के अंदर विनियर क्रॉपिंग से करते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ भी चुके हैं और यहाँ पर एक साथ आपके पास लिस्ट है ताकि आप इजीली इसको याद कर सको, ठीक है, एक साथ याद कर सको। मैंगो के अंदर विनियर ग्राफ्टिंग, रबर के अंदर फोर कट बडिंग करते हैं, परसीमोन में आपको क्राउन ग्राफ्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। कसावा हो गया, एरोरूट हो गया, डेहलिया में ट्यूबर से करते हैं। टर्मरिक जिंजर और वाटर लिली में राइजोम से करते हैं। कोलोकेशिया, ग्लेडियोलस, याम में कोर्म से करते हैं। गार्लिक के अंदर क्लोव से करते हैं, ट्यूबरोज में बल्ब से करते हैं।
तो ये सारी जो है प्रोपोगेशन, कमर्शियल प्रोपोगेशन की मेथड है, यहीं से आपके क्वेश्चन आने हैं, यहीं आपको पढ़ना है। जितना भी हमने प्रोपोगेशन में पढ़ाया ना, वो मेथड थी कि मेथड आखिर होती क्या है, लेकिन किस में करते हैं कमर्शियल प्रोपोगेशन, ये लिस्ट, या लिस्ट मैंने ऊपर जितना पढ़ा वो मत पढ़ना, पर ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।